सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। आज गांधी मैदान पटना स्थित होटल पनाश में रोटरी क्लब ऑफ चाणक्या द्वारा मीडिया कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य ही नहीं बल्कि देश के जाने माने पत्रकारों ने नए दौर में मीडिया जनसहभागिता अपेक्षाएं एवं विश्वसनीयता पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बिहार में यूट्यूब की लीडिंग चैनल लाइव सिटीज़ के प्रमुख श्री ज्ञानेश्वर वात्स्यायन ने 3 उदाहरणों से मीडिया की खूबियों और खामियों को प्रस्तुत किया। आइए सुनते हैं लाइव सिटीज़ के प्रमुख श्री ज्ञानेश्वर वात्स्यायन को। इलेक्ट्रॉनिक्स की, डिजिटल की, मैं 3 उदाहरणों से इसे आगे ले चलता हूँ। क्या चुनौतियां हैं, क्या अंधी दौर है, जो पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, जो पत्रकारिता हो रही है। अभी अभी आपने पेशाब लाइव देखा पूरे देश में कि किस तरीके से पेशाब करने की घटना को, जो आदमी की स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसे पूरी दुनिया की मीडिया लाइव दिखा रही थी। कितने को अच्छा लगा, कितने को गुस्सा आया, मुझे नहीं पता। आपने देखा न्यू मीडिया की गलतियां, बिहार और तमिलनाडु को लेकर कितना बड़ा फसाद हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ जांच का विषय है। लेकिन दौर ऐसी थी, अभी अंकित शुक्ला जी ने ठीक कहा कि बस अपने को बुलंद रखना है, अपनी विश्वसनीयता पर कायम रखना है। देखिए, जब बिहार और तमिलनाडु को लेकर फसाद शुरू हुआ, मैं सिर्फ न्यू मीडिया को कसूरवार नहीं ठहराता हूँ, शुरुआत कहीं से, लेकिन जो अन्य मीडिया हाउसेज हैं, जो एस्टैब्लिश हैं, प्रिंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनकी रिपोर्टिंग सिस्टम कहाँ चली गई थी? क्या वो केवल न्यू मीडिया, इंटरनेट मीडिया को सुनकर ही खबरें बना रहे थे? उनको भी आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है कि वहाँ रिपोर्टिंग सिस्टम कहाँ है, क्योंकि अखबारों के भीतर भी, जैसा प्रारंभ में कहा गया, देखिए अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात तो होती ही नहीं है, अब यह बात होती है कि कितना कॉलम खबर किस रिपोर्टर को लिखना है। फिर तीसरा, देखिए हमने न्यू मीडिया की बात कर ली, पेशाब लाइव की बात कर ली, एक दिन मैंने खबर देखी सोशल मीडिया पर कि काशी विश्वनाथ मंदिर में लिंग दर्शन, लिंग स्पर्श के लिए पैसे लगेंगे 500 रुपये, उससे भी अधिक कुछ जल्दी के लिए। देश के एक बड़े अखबार ने छापा, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा भगवान भी गरीबों को अपने को स्पर्श नहीं करने देंगे। मैंने अगले दिन कहा मेरे यहाँ लाइव सिटीज में 150 मिलियन लाइक्स नहीं है, 150 मिलियन व्यूज है हर महीने का। तो मैंने लाइव सिटीज में रोज गूगल मीट होता है, मैंने अपने साथियों को कहा कि ये तो बात ठीक नहीं है, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए, लोगों का पब्लिक ओपिनियन करो कि क्या महादेव को छूने का पैसा भी लगेगा। और फिर हमारे एक सीनियर साथी थे, हमने उनसे कहा कि जिस अखबार ने छापा है उसे भी देख लीजिए आगे का डेवलपमेंट क्या है। मालूम हुआ अखबार में माफीनामा छपा हुआ है। क्यों छपा हुआ है भाई? तो ऐसा कोई फैसला ही नहीं हुआ था, तो खबर कहाँ से छप गई? तो इंटरनेट मीडिया पर वायरल खबर थी। अरे भाई, इंटरनेट मीडिया पर वायरल खबर थी तो आपके जो एस्टैब्लिश रिपोर्टर थे क्या कर रहे थे? हाँ, और आप तो माफीनामा मांग कर निकल गए। तो देखिए, ये सारी स्थिति और परिस्थिति जो है, क्यों? देखिए, हम सूचना तो चाहते हैं, हम पत्रकारों से बड़ी अपेक्षा रखते हैं, मीडिया हाउसेस से बड़ी उम्मीद रखते हैं, लेकिन सब कुछ फ्री में चाहते हैं। इसलिए जितने कसूरवार आप किसी और को हमें ठहरा देते हैं, उससे कम कसूरवार समाज और पाठक वर्ग नहीं है। फ्री में कोई कुछ होता है क्या? आप 4 रुपए का अखबार देखते हैं पटना में, वास्तविक कीमत जानते हैं, मैं न्यूज प्रिंट की बात नहीं कर रहा हूं, आप 4 रुपए ही देते होंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एजेंट को 2 रुपए 10 पैसे में मिलता है, मिनी एजेंट को 2 रुपए 35 पैसे में मिलता है, और हॉकर को 2 रुपए 50 पैसे ही मिलता है। तो अखबार के पास कितने पैसे हैं? 2 रुपए 10 पैसे। और यदि वो रत्ती में बिकेगा तो 8 रुपए किलो बिकेगा, ठीक है,
तो फिर जब ऐसी अर्थव्यवस्था है तो अखबार क्या करे, कोई भी मीडिया हाउस क्या करे, आपको तो फ्री में चाहिए। आप देश में अखबार सबसे सस्ते, तो फ्री में चाहिए तो क्या होता है, विज्ञापन ज्यादा चाहिए, घुटने हमें टेकने होंगे, और जब हम नतमस्तक होंगे तो उनकी गुलामी तो करनी ही होगी, चाहे सरकार की गुलामी हो, चाहे संस्थानों की गुलामी हो। हम और आप कहते हैं सत्ता, सामाजिक मान्यता है ना कि सत्ता गलत बात है, जुआ खेलना गलत बात है। अभी आप पिछले कई दिनों का अखबार उठाकर देख लीजिए, बिहार का सारे अखबारों में जैकेट ऐड क्या छप रहा है, ऑनलाइन सत्ता। तो नैतिकता की बात हम तब करें जब समाज भी कुछ देने को तैयार है। देखिए, जब भी बात होती है, खबरों की बात होती है, आपको बताएं, देखिए कहां पतन नहीं हुआ है और कहां सुधारने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। मोकामा उपचुनाव का नतीजा आ रहा था 6 नवंबर 7 तारीख को, तो दिन के 1 बजे नतीजे आ गए। सारी दुनिया ने जान लिया, जो यह विषय है कि मिनट में आपको लाख लोगों के पास सूचनाएं पहुंच जाती हैं। हमने 7 नवंबर को अखबारों में देखा कि लीड खबर मोकामा उपचुनाव के नतीजे, बगैर किसी ऐड ऑन। बताइए कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जिसे 6 तारीख को सूचना नहीं मिली थी कि मोकामा उपचुनाव का नतीजा क्या आया था? तो यदि आप अपने में ऐड ऑन नहीं करेंगे तो आप कहाँ रहेंगे, कहाँ टिकेंगे? अखबारों की विश्वसनीयता सबसे अधिक है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, टीवी की विश्वसनीयता थी, आप न्यू मीडिया पर आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या आपने नहीं देखा, अभी एनके सिंह साहब कह रहे थे करोड़ों के संपादक होते हैं, लेकिन 2000 रुपए के नोट में चिप्स लगा हुआ है, यह किसने बताया था? ये भूत पेट किसने दिखाना शुरू किया? ये सांप देवले की लड़ाई किसने दिखाना शुरू किया? ये जादू टोना किसने दिखाना शुरू किया और क्यों दिखाना शुरू किया? देखिए, टीआरपी की दौड़ है। एनके सिंह साहब ने कहा कि देखिए किसानों की बात होनी चाहिए, फलां की बात होनी। मैं भी न्यू मीडिया में हूं, मैं भी कम करता हूं, मुझ पर लोग आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ राजनीति की बातें करते हैं। देखिए, जिस पत्रकारिता की बात करें सोशल मीडिया में भी, और जो नए लड़के हैं यहाँ बैठे हुए हैं, जो बैचलर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, वे भी आते हैं, कहते हैं सर क्रांति करनी है। तो हम पूछते हैं क्रांति करनी है तो बिना तनख्वाह का काम करोगे? हाँ, तो नहीं, बिना तनख्वाह का काम नहीं करेंगे। तो बिना तनख्वाह का काम नहीं करेंगे तो क्रांति कैसे होगी? संस्थान को पैसा देना है। अब किसान की रिपोर्टिंग के लिए भी हम सोशल मीडिया की ही बात कर ले तो हमें 500 किलोमीटर परिभ्रमण करना पड़ेगा, 200 किलोमीटर जाना होगा, और व्यू जाएंगे 10,000 डॉलर, एक भी शायद ना आए या $1 आ जाए, तो 200 किलोमीटर जाने में, आने जाने में खर्चा हुआ कम से कम 10,000 रुपया और पैसा आया 80 रुपया, तो क्या होगा, कैसे चलेगा? इसलिए यदि आप सब कुछ फ्री में चाहते हैं, मैं जब अखबारों में काम करता था तो एक रेशियो कहा जाता था कि 60% विज्ञापन, 40% कम से कम न्यूज होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में क्या है, अखबार के पन्ने 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 पलटे जाइए, केवल जैकेट 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 मिल रहा है, खबर का है पता ही नहीं है। और जो आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी खबर है वो अखबार के कैरी ओवर पन्ने पर है, क्योंकि एनके सिंह साहब ने कहा, ठीक ही कहा कि है क्या, उन्होंने कहा, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने लिखने को मिलता नहीं है। और जो अभी इनके सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही कि उन संस्थानों में आज भी HTML पढ़ाया जा रहा है। मैं कल एमईटी गया था, कुछ लड़कों से मिला, यहाँ भी बहुत सारे लड़के बैठे हैं, जब लड़के आते हैं बैचलर्स करके या मास्टर्स करके, मेरे कुछ साथी हैं जो क्लासेस भी लेते हैं, मैंने किसी को एक दिन कहा था कि मैं चलना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाते क्या है, वो तैयार नहीं हुए थे। तो ये जो नए लड़के आ रहे हैं उनकी जो उनका जो पाठ्यक्रम है वह पत्रकारिता के दृष्टिकोण से कितना सही है, इस पर विचार करने की जरूरत है ध्रुव जी।
जो भर्ती होने के लिए लड़के आते हैं, पत्रकार होने आते हैं, उनसे मैं दो तीन बेसिक सवाल पूछता हूँ। उनके पास बहुत अच्छा आईपैड होता है, बहुत अच्छा मैकबुक होता है, 8-8 लाख का ट्यूशन देकर के आए होते हैं और पत्रकार बनने आते हैं। मैं पूछता हूँ बिहार में जिले कितने हैं, जवाब नीलबट्टा सन्नाटा होता है। मैं पूछता हूँ कि बिहार विधान परिषद का सभापति कौन है, जवाब नीलबट्टा सन्नाटा होता है और बनना एंकर है। तो देखिए एंकर बनना है और एंकर बनने के लिए क्या, तो सामने के लिए काउंटर लगा दीजिए, तो बस पढ़ देना है। तो यदि इस तरीके से तो विश्वसनीयता, क्योंकि देखिए आज की जो नई पीढ़ी है वो पढ़ना भी छोड़े हुए है, उसे वही अच्छा लगता है जिसमें आग हो, कहते फायर हो, फायर हो। अरे इस तरीके से कपिल शर्मा का शो बहुत अच्छा लगता है, ठीक लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हंसी मजाक के लिए। लेकिन जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो गंभीरता, और देखिए बिहार में पिछले कुछ दिनों से जो माहौल, दो दिनों से मैं तो बार बार कहता हूँ कि पत्रकारिता का काम आग बुझाना है, न कि आग लगाना है। जब आग लगी हो तो आपको आग बुझाने का हर प्रयास करना चाहिए, और यदि आग नहीं बुझा सकते हैं तो खामोश बैठना चाहिए, और यदि आग बुझाने में सहयोग करने की जरूरत है तो सहयोग करना चाहिए। और बहुत करीबी सच्चाई जान रहे हैं तब भी आग लगी हुई हो तो नहीं बोलना चाहिए, मामले को शांत होने दीजिए, फिर तफ्तीश कीजिएगा, तब सच्चाई बताइएगा। तो जिम्मेवारी और करेक्शंस तो होंगे। देखिए न्यू मीडिया अभी कितने साल का हुआ है, एक करेक्शन से अभी आपने देखा कि दो दिनों से बिहार में तनाव है लेकिन सोशल मीडिया खामोश है, वहाँ अभी कोई वीडियो नहीं चल रहा है, नेता भी लोग भी संभल कर बोल रहे हैं, नहीं तो मालूम होता कब का, कहाँ का, कैसे का, जाने का, गर्मी का, बरसात का वीडियो निकाल करके लोग पूरे बिहार में आग लगा देते। तो करेक्शंस होंगे, करेक्शंस समय का इंतजार कीजिए। और इनके साहब ने ठीक कहा कि अब तो हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल है, 20 रुपए की जरूरत है, तो आप अपनी बातें रखिए, किसी का इंतजार मत कीजिए, इंतजार करेंगे तो देर हो जाएगी। और वैसे भी देखिए बिहार के बारे में मैं तो कहता हूँ कि यह बिहार जो है बुद्धों का प्रदेश बनता जा रहा है, ओल्ड सिटीजन्स का। जितने नोटेरियंस बैठे हैं, मेरी मान्यता है कि उनकी जेब में पैसे हैं और उनके किसी बच्चे ने 12वीं के बाद बिहार में पढ़ाई नहीं की होगी, और जिनके बच्चों ने 12वीं के बाद बिहार में पढ़ाई नहीं की है उनके बच्चे वापस नहीं लौट रहे हैं, क्योंकि बिहार में सिर्फ 3 ही नौकरियां हैं, सिपाही की, मास्टर साहब की और दुकान में सेल्समैन की, इसके अलावा कोई चौथी नौकरी नहीं है। तो फिर जो बीटेक करने जा रहा है, एमसीए करने जा रहा है, बीसीए करने जा रहा है, बीबीए करने जा रहा है, वो क्यों लौटेगा भाई बिहार में? नहीं, आपका बेटा लौटा इसलिए, देखिए मतलब मेरा बेटा भी लौटा है, लेकिन ये अपवाद सब जगह नहीं है, मैं मतलब पूरे उस तौर पर बात करूं कि वो लौट नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में मानसिकता क्या है कि 3 भाई है, 2 भाई नहीं लौटा, 1 भाई यहाँ निठल्ला रह गया, तो कहता क्या है घर में, अच्छा हुआ दोनों वहीं जा गया, एक रोहिंसवा हमें मिल जाएगा। तो ये, और जो उन्होंने कहा कि भाई 15 साल से 29 साल, आप पटना की सड़कों पर देखिए 21 साल से 40 साल वाले जो लोग दिखाई पड़ेंगे उनके चेहरे पर किस कदर की निराशा है, क्योंकि उनके पास काम करने को कुछ नहीं है, घर में बूढ़ा माँ बाप। आप गाँव में चले जाइए, देखिए घर के घर बंद पड़े हैं, वहाँ घर की लाठी संभालने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं। और विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता के लिए तो हम लोग देखिए समय के साथ लोग पहचान जाते हैं कि कौन गलत बोलता है, कौन सही बोलता है, और जो सही बोलता है उसकी गाड़ी चलती रहती है और जो गलत बोलता है उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तो इन्हीं सबको पहचान होती है।